अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक, नई सुबह नए मेहमान। नई सुबह और नए मेहमानों के साथ डेफिनेटली रोज़ाना नए शो, नए गेस्ट आपके सामने आते हैं और आज का भी जो शो है वो बहुत अच्छा है, बहुत आप इंजॉय करने वाले हैं क्योंकि मौसीकी से ताल्लुक़ है आज का मेरा शो, इससे वाबस्ता है और मौसीकी को हर कोई पसंद करता है, चाहे वो सैड हो चाहे वो खुशी, क्योंकि मौसीकी एक ऐसी चीज़ है खुशी में भी सुनी जाती है और गम में भी सुनी जाती है। लेकिन अब ये नहीं पता आज खुशी है या गम है, ये पूछेंगे जो हमारे सिंगर्स आए हैं उनको, भाई गम है खुशी है, वो क्या सुनाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं इनका तारुफ करवाऊंगी। आज हमारे शो पर हमारे साथ मौजूद हैं फराज एंड फैजान। वेलकम करते हैं आपको अपने शो पर। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस हियर। थैंक यू, माय प्लेजर। और आप ठीक हैं, मजे में? फैजान आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लग रहे हैं आप तो अभी सो के उठ के आए हैं। मॉर्निंग शो है तो जाहिर सी बात है। अच्छा, सो के उठ के आए हैं, नाश्ता किया है आपने? पक्की बात है, ये तो सेट सेट लग रहे हैं। आपको पता है हर सिंगर उदासी होता है, क्योंकि उदासी के बिना गायकी का कोई काम ही नहीं है। हार्ट ब्रोकन जब दिल टूटता है तभी अंदर से सांस निकलता है, आवाज निकलती है। अच्छा, ये आप लाइव बोल रहे हैं? जी मैं लाइव बोल रहा हूँ। आप भी हार्ट ब्रोकन है? ये दिल में कहाँ से दूं इनको यार, इनके दिल जुड़ जाए। खैर, हमारे साथ बैंड भी हमारा बहुत प्यारा मौजूद है, इमरान, इरफान महमूद और यार असल में मसला सारा ये है कि माशाल्लाह हमारा बैंड जो है ये मुस्कान के शो में आप देखते रहते होंगे, मुस्कान खान का शो होता है। आज जो है मैंने इनको बुला लिया सुबह सुबह, भाई मेरा भी शो है और आपने आके, सिंगर्स जब आएँ तो बैंड के बगैर शो का मज़ा नहीं आता, मैं सही कह रही हूँ? तो थैंक यू सो मच, आप लोग भी आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, थैंक यू। तो क्या सुनाने वाले हैं आज आप? आज अगर आपको फरमाइश करेंगे तो ठीक है। वैसे तो मैं शो पे जब बुलाती हूँ तो इंटरव्यू लेती हूँ, भाई जिंदगी क्या है ये वो है। आज मेरा दिल नहीं चाह रहा। पूछ भी सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर सिंगर की जिंदगी। ये मुझे बताएं आपकी जर्नी शुरू कहाँ से? हमारी जर्नी शुरू वहाँ से हुई थी, आप कहते हैं ना कि अभी आपने एक पहला सवाल किया था कि भाई ब्रोकन, तो जब इंसान का जाहिर सी बात है दिल टूटता है या वो कहीं से डिसहर्ट होता है तो उसके बाद ही उसकी लाइफ की जर्नी शुरू होती है, क्योंकि जब जिंदगी में आपको फेलियर्स मिलते हैं तो उसके बाद ही आप आगे बढ़ने की कुछ करते हैं। कभी तो मेरे से तो कहते हैं कि जिंदगी में कुछ नाकामियाँ, कुछ रिजेक्शंस और कुछ धोखेबाजियाँ, तो फिर ये मुझे देख के क्यों बोल रहे हैं धोखेबाजियाँ? आपको देख के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन किया मुझसे। अच्छा, आपने मेरा दिल तोड़ दिया, ऐसा नहीं था। तो जिंदगी में इंसान को ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं और जब वो फेलियर की तरफ जा रहा है तो वही टाइम होता है उसका ग्रो करने का, ऐसा ही तो उसी टाइम में उसने आगे बढ़ना होता है। तो फिर हमने भी वहीं से स्टार्ट किया, ऐसे सुनते सुनते खुद को एक दिन सोचा कि नहीं चलो भाई अब सिंगिंग करेंगे, और जब सिंगिंग करके देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह के प्लेटफॉर्म मिलते गए, और अभी भी एक स्ट्रगलिंग पीरियड है हमारा, अभी भी कोई हम स्टार नहीं बन गए बहुत बड़े, बट ये की कोशिश हमारी जारी है। मुझे याद है मैं परसों ही एक चीज देख रही थी टिकटॉक पे, शायद ज़ाहिर सी बात है टिकटॉक बहुत यूज करते हैं, वहाँ पे सिंगर का नाम मुझे याद नहीं है, वो सिंगर था, वो ऑन स्टेज परफॉर्म कर रहा था और उसने कहा कि जब मैं परफॉर्म कर रहा था उसका कोई, वो भी हार्ट ब्रोकन स्टोरी थी तो उसने किसी लड़की को शायद डेडिकेट की थी, और उसके बाद वो आज नाम मेरे शायद मेरे ख्याल में आसिम अज़हर था, आसिम अज़हर तो अब तो वो देखें स्टार है। तो इसीलिए जर्नी अच्छी होती है, दिल टूटने वाली भी, इंसान मशहूर हो जाता है जिंदगी में, ऐसा ही है। चलें तो फिर आज हम सुना रहे थे कि जिसने दिल तोड़ा मगर कोई बात नहीं, उससे शिकवा भी नहीं है, आज उसकी आंखों के बारे में बता देते हैं कि बोल जा रहा मुश्किल
अच्छा तारा तारा और क्या सुनना चाहेंगे आप? तारा गलत बोला, तारा रारा, तारा रारा, हाँ तारा तारा तो ये मुझे शो पे लोग कॉल करते हैं जिनको, हाँ जिनको रारा रारा नहीं आता तो वो तारा तारा बोलते हैं, आप तो तारा रारा बोले ना। अच्छा फैजान आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? कॉपी पेस्ट मत बोलना, हमारे पास आधे से ज्यादा गेस्ट होते हैं कॉपी पेस्ट। नहीं इनका दिल असल में ना किसी लड़के ने तोड़ा ऐसा नहीं है, बैक पास हो गया इसका मतलब नहीं है लड़का दिल तोड़ के चला गया हमारा। फिर क्या ये है कि मतलब फादर की डेथ, उसके बाद घर संभालना, जिम्मेदारियां, फिर जिम्मेदारी में मोहब्बत आशिकी सब पीछे, तो कुछ ऐसा सेम थिंग दोनों के साथ रही है। बट ये है कि जो रियल ब्रोकन है वो इधर है, बट ये है कि ये तभी आपने रेड शर्ट पहनी है। तो मैं ब्लैक पहन कर आता है अगर ज्यादा दुख होता है, तो रेड पहन कर आता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूँ और मैं कामयाब होकर दिखाऊँ आगे उसे। तो सुना दें आपको। हाँ यार फैजान की मुझे वॉइस सुननी है, कब से आई हूँ, कहाँ से निकली ये तो देखूँ। बहुत अच्छी वॉइस है, मैं उसका आंसर सुन रही हूँ। हाँ नहीं कोई चेक, कुछ और करें, कुछ और कर दें भाई, यहाँ पर फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। कभी कभी ये भूल जाने कहूँ मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नाश मिटा दे जाओ, चलो रस बंद के सगे मुड़के मुझे देख तो ना, तोड़ दे तालुक को निभाते जाओ। कभी कभी मुझे सताए, कभी कभी रुलाए, कभी कभी मुझे सताए, कभी कभी जाइएगा।
क्या बात है। अच्छा मुझे लगता है आप तो बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा टूटे हैं, है ना, ये इसने दिल से गाया है। हाँ, दिल से। ये आपका क्या फेवरेट सॉन्ग है? जी। फेवरेट सॉन्ग है ये, मुझे लगता है आप ज्यादा सिंग करते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं, पहले कभी कोई लाइफ में ऑन स्टेज कॉन्सर्ट किया है आपने? नहीं। शौक है? शौक है, किसको नहीं होता शौक। तुम तो चुप करो, उससे पूछ रही हूँ ना। मेरे को 10 साल की उम्र से वो शौक था। अच्छा। मेरे वालिद साहब के जाने के बाद मेरे वालिद साहब भी यानी प्रेस में होते थे, तो उनका भी गाने वाने का शौक था, वो भी गाते थे। मैं लाइव शो में इस बंदे से वादा करती हूँ, मैं इसको लाइव कॉन्सर्ट लेके दूंगी और ये ऑन स्टेज परफॉर्म करेगा एक अच्छे लेवल पर। और जो लाइव चीज़ मैं बोल दूँ तो मैं वो उस पर बहुत पूरी कोशिश करती हूँ, उतरती हूँ। तो मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि मैं आपको लाइव कॉन्सर्ट्स कोशिश है कि मैं आपको लेके दूँ, आप उसमें परफॉर्म करें और आप हमारे फ्यूचर के स्टार हैं, आपको पता है। इन फ्यूचर आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत आगे तक। आप अपने सॉन्ग्स रिलीज करें और जितना सपोर्ट मुझसे हुआ, मेरी टीम से हुआ, जहाँ जहाँ मैं करूँगी। अपकमिंग सॉन्ग्स आ रहे हैं हमारे, हम वर्क चल रहे हैं। अभी हमने एक सॉन्ग लिखा, एक शख्स सैड सॉन्ग है और इंशाल्लाह हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अलावा एक रैप सॉन्ग भी आ रहा है हमारा ट्रेंडिंग इशू पे, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम उसे लॉन्च कर अनप्लग कर देंगे। जी, इधर करना चाहें तो करें, इधर करना चाहूंगा तो मतलब एक वो वायरल सॉन्ग है। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब वो लॉन्च होना तो तभी वो आए, मैं अभी कर तो दूंगा। अच्छा, कुछ लोग उससे आइडियाज गेट करते हैं। हाँ ये है, अनप्लग जब आप करने लगे तो मुझे जरूर बताइए। मैं करूंगा तो मैं आपको एक दिन पहले लाजमी बता दूंगा और सबसे पहला लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं, फैमिली सपोर्ट कितनी है आप लोगों को? अच्छा, फैमिली सपोर्ट की बात रही तो देखें, फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्सिबल इस टाइम पे मैं हूँ अपनी फैमिली का, और जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो लोग आपके साथ खुद ही जुड़ जाते हैं। तो पहले तो ये था कि गायकी हमारी मतलब फील्ड नहीं थी, तो सपोर्ट लोग नहीं करते थे। अब ये कि फैमिली सपोर्ट हमारे साथ पूरी है कि आप लोगों ने जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, और हम आपके साथ हैं और शेयरिंग भी करते हैं हमारी लिंक्स वगैरह की वीडियोस वगैरह सारे जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। बट ये है कि कुछ लोग जो बाहर के हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा तानाकशी सुनने को मिलती है कि यार किस फील्ड में जा चुके हो और कुछ नहीं होता है। आपको पता है इन फ्यूचर यही लोग आपके फैन होते हैं, ये मैं आपको लिख के देती हूँ। काफी लोग थे जब मैं मीडिया में आई तो मुझे बोला कि यार ये कौन सी बाइक चलाना कोई इज्जत है, ये लड़कियां चलाती हैं। और आज वही लोग टाइम लेते हैं मांग मिलने के लिए कि यार 5 मिनट तो दे दे, मर नहीं जाएगी। तो मैं उसको बोलती हूँ बेटा जा। रिसेंटली हम बोल के सेट पे थे, याद है, मतलब जो बोल के सेट पे, बोल के सेट पे हम रिसेंटली थे, तो वहाँ पे भी ये था कि यार बाइक ये क्या प्रोफेशन है बाइक चलाना। तो लाइव शो में फिर सनम जग ने क्या कहा, आप मुझे ये बताएं। फिर उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि देखें अच्छी बात है कि आप। और जब मैं निकल रही थी बोल के स्टूडियो से तो मुझे सनम जग ने कहा कि मेरी विश है मैं आपके साथ बाइक पे राइड करूं। जी, तो ये जो है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको पढ़ना चाहिए। हर एक अपना एक पैशन है, ठीक है। कोई हर इंसान जो है बिजनेसमैन नहीं हो सकता, हर एक अपना एक शौक होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर आप लोग खुशियाँ नहीं दे सकते ना तो किसी को टॉर्चर भी नहीं करो, ना डिग्रेड ना करें किसी को, अपने फ्यूचर प्लान्स में काम करने दिया करें। मैं मिन्नतें करती हूँ ये बोलने के लिए कि यार नहीं करें। और आपको डिग्रेड करने वाले अभी तो क्या, आगे बहुत लोग मिलेंगे। मीडिया का काम ये है कि एक को काट के दूसरा आगे बढ़ जाता है। एक्चुअली कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी में खुद भी कुछ नहीं करते और सामने वाले को भी आगे बढ़ने नहीं देते, ऐसा ही है, उसे डिमोटिवेट करते हैं और जब बंदा डिमोटिवेशन का शिकार। मैंने आपसे कहा ना, जब आप ऑन स्टेज परफॉर्मेंस करेंगे, जब क्राउड आपके सामने होगा तब मुझे आप अपने कहा, आपने उससे नहीं कहा, दोनों सिंगर्स हैं। अच्छा, दोनों सिंगर्स ऑन स्टेज। आपने अभी कटा दे, कटा नहीं रही काम कर दिया यार, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर सी बात है, आप लोगों की एक जोड़ी है तो आप जहाँ भी आगे जाएंगे तो साथ ही होंगे। तो जब आप ऑन स्टेज परफॉर्म करेंगे ना, तब जब हो जाए एक आधा आपकी परफॉर्मेंस, तब आप मेरे शो पे आके बताइएगा क्या आपकी खुशी थी जब इतने लोग आपको सुन रहे होते हैं। अभी रिसेंट जो हम बोल के स्टेज पे थे तो वहाँ लाइट्स ऑफ हो गई थी, तो हमने वहाँ जैमिंग की थी और सनम मैम जो सनम जान है और बहुत अच्छा उनका मिला। उन्होंने स्टोरी पे हमारी वीडियोस लगाई हैं जहाँ उनके 2.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो उन्होंने वहाँ हमारी वीडियोस अपलोड की, अपनी फेसबुक स्टोरी पे अपलोड की। तो ये भी हमारे लिए एक एजाज की बात थी कि मतलब एक सेलिब्रिटी है वो हमारी वीडियोस शेयर कर रही है, तो हमारी आवाज़ ये कि हम चाहते हैं कि आगे तक जाए और फिर हम अपनी किसी मंजिल पर पहुंचे तो फिर
जो लोग हैं, इंसान मेहनत करता है तो मेहनत का फल ना अल्लाह जरूर देता है उसको, तो आप मेहनत करें और उसका फल आपको मिलेगा यकीनन। सही बोल रही हूँ ना? मगर आजकल पता है क्या इंतजाम होंगे, आजकल बंदा सबर कर रहा है, सबर के ऊपर आगे पूरा खा जाए। आप उन कीड़ों की टेंशन नहीं, कीड़ों की टेंशन लेंगे तो कुछ नहीं हो सकेगा, अपने गोल पे फोकस करें। गोल पे फोकस किया, अब अल्लाह ताला हमें उस तक पहुंचा। और अभी मुझे कुछ और सुनने को दिल है, क्या और सुना दें, क्योंकि जो म्यूजिक से रिलेटेड बंदा आता है तो मैं उससे बातें कम और सुनती ज्यादा हूँ उसको। अच्छा, तो आप तो मतलब हार्ट ब्रोकन की तरफ ज्यादा है, तो एक पुराना सॉन्ग है, कोशिश करूंगा गाने की, वैसा गा तो नहीं सकता क्योंकि वो महान सिंगर्स हैं। तो क्या हुआ तेरा वादा कर, हाँ हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा, हुआ कुछ भी नहीं हुआ, धोखा हुआ। आपने साथ देना है इनका। क्या हुआ आप पहले शो के अंदर ही चाहते हैं कि मैं किताबें जिंदगी खोल के ऑडियंस के सामने, फेमस तो होने दें ताकि मैं किसी स्टेज पे जाऊं, जाके फिर बताऊं। बट ये क्या, मैं बता देना चाहता हूँ ऑडियंस को, ऐसा था कि ये कुछ रिलेशनशिप था जो कि तकरीबन 7 साल चला, ऐसा ना करे कि मैं रोने लग जाऊं बताते बताते, मुझे जीने नहीं दे। 7-8 साल तक ये रिलेशन चला। एक बार ही बता दो मैं क्या करूं, क्या बोल रही, 2 मिनट बंद करो यार, उधर जमी के रही है, मतलब उधर जा के रही है, वो करे ना, मुझे 7-8 साल पुराना रिलेशन था। तो अब मैं जब टाइम आया करीब, जो मैं जो मर्जी आपका कट क्यों है, वजह ये थी, क्यों है, बस मम्मा, बहुत सारा पैसा नहीं था, शोहरत नहीं थी, नाम नहीं था। अच्छा ठीक है, बस यार वो बात नहीं है यार, यार वो सुना रहे, अब मैं उठ के झूमूं, अच्छा नहीं टूटना था, सेफ सॉन्ग्स है वहाँ पर, ये देखा गया कि पैसा ज्यादा है, शोहरत है, नाम है, छोड़ दिया दुराए पे लाके, मतलब जिंदगी में आपके प्यार की, आपकी सच्चाई की कोई कदर नहीं। आप शेयर करें आपकी जिंदगी की स्टोरी, आपका पैसा देखा जाता है, आपका मेयार देखा जाता है,
और जब मेयार देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि कुछ रिलेशनशिप था, दिल देखा जाता है फिर मोहब्बत देख तकरीबन। आप साउंड दीजिएगा सैड वाला, तकरीबन ऐसा ना करें कि मैं रोने लग जाऊं बताते। हाँ बहुत छोटी उम्र, कहते ना कि थोड़ी नई नई जवानी आती है, मजाक उड़ा रही हो, अच्छा है ना सुनने में, मजा आएगा, टूट जाता है देखने वालों को। ये चाहती है कि मतलब मेरा दर्द अच्छी तरीके से बाहर यार 7-8 साल की, नहीं मैंने सोचा नहीं, मैं खुद ही बन गया। फिर जब टाइम आया करीब शी लेफ्ट, ओके वजह ये थी। अच्छा मैं तकरीबन 13-14 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया था, मेरा एक शो था जो मैं, मेरा पहला स्टेज था, वो था मेरे कोचिंग का इवेंट, एनुअल फंक्शन था, तो वहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस थी। सो दैट टाइम आई रियलाइज कि हाँ भाई मैं गा सकता हूँ, सॉन्ग वॉज टिपिकल के गिव मी सम सनशाइन, एक एजुकेशन लाइफ के ऊपर वो सॉन्ग था, तो मैंने वो सॉन्ग प्ले किया। दैट टाइम आई वॉज 15 मैंने वो सॉन्ग प्ले किया वहाँ पर बैंड के साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई और मैंने फिर सिंगिंग शुरू की, जैसे क्लास रूम में सिंगिंग करने लग गया, बाथरूम में सिंगिंग करने लग। तो वो 7 साल चला, थोड़ी नई नई जवानी आती इंसान पे। अच्छा फिर वो हाँ कॉलेज में, फिर कॉलेज में परफॉर्म किया, तो फिर आपने ये सोचा कि मैं सिंगर बन जाऊं। हर इंसान की लाइफ का बाथरूम सिंगर होता ही है जाहिर सी। तो आप कब से सिंगिंग कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि 10 साल की उम्र से सिंगिंग कर रहे हैं। मैं तकरीबन 13-14 साल की उम्र से स्टार्ट किया था, मेरा एक शो था इज्जत माला देता है इंसान की बस की बात नहीं है, तो इसीलिए आपको भी, आप बहुत आगे तक जाएंगे मैंने कहा दोनों इंशाल्लाह। शुक्र आप भी बोलने बैठे हैं ना, मुझे लगा सांस। एक्चुअली फैजान का थोड़ा सा इशू है कि फैजान कम बोलते हैं। अच्छा फैजान आपकी लाइफ की जर्नी कोई नहीं? नहीं लड़की वड़की पे तो कोई सीन ही नहीं है, मैं तो बेस्ट फ्रेंड था मुझे पता है। अच्छा मतलब पूछ से रही हूँ बता ये रहे वो भी। हाँ मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, असल में मुझे पता है इनकी सारी बात है। अच्छा फैजान मुझे कुछ कवाली सुनने का दिल चाह रहा है, कवाली सुना देंगे इसको, सिर्फ गाने सुनो बुलवाओ नहीं। काली काली जुल्फों के बंधे न डालो, काली काली जुल्फों के बंधे न डालो, कंटिन्यू करते नहीं तो बहुत बड़ी कवाली है, बहुत बड़ी कवाली। सारी आती नहीं है, बस इतनी आती है, तो ये आप तो, आपको तो याद करनी चाहिए पूरी।
अब इसको याद करवा रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे लग रहा है आप इसके टीचर, वो टीचर कम लग रहा है, आप टीचर ज्यादा लग रहे हैं। एक्चुअली सुरो सिखाते हैं। अच्छा, ये आपको सिखाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा आप इनको सिखाते हैं। हम दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं, और हमने आज तक दोनों में ये बात नहीं है कि मैं तेरा उस्ताद या तू मेरा उस्ताद। अच्छा। मतलब एक दूसरे को बढ़तर नहीं रखते, ये मुझे कहता है उस्ताद, मैं ऐसे कहता हूँ उस्ताद, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम साथ ही मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। फ्यूचर प्लान शेयर करें क्या है जिंदगी के? फ्यूचर प्लान्स तो अभी देखें, स्ट्रगल चल रही है। स्ट्रगल तो मरते दम तक चलती रहती है, वो तो कभी रुकनी नहीं है, आप बताएं। नहीं, बंदा अपने एक डेस्टिनेशन पे जाके पहुंच जाता है तो फिर उसे पता चलता है। बट ये कि मेरा सबसे पहला डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद भी इंसान कहता है मैं और कुछ करूं, मैं ये और तो इंसान की एक फितरत है कि वो कहीं भी पहुंच जाए। अगर बाइक पे सफर कर रहा है तो कहता कार चाहिए, बहुत को बहुत कार में सफर कहता तो कहता लग्जरी कार चाहिए, लैंड क्रूजर चाहिए, ऐसा ही। फिर जब उसमें आता बोलता जहाज में सफर करना, ऐसा ही अपना प्राइवेट। आप अपने शेयर करें फ्यूचर प्लान्स। कोई प्लान ही नहीं है, छोड़ा हुआ अल्लाह पे। अच्छा, मेरा जो है वो सबसे पहले ये है कि मैंने जहाँ थोड़ी सी कामयाबी पे जाना तो सबसे पहले अपनी वालदा को हज पे भेजना सबसे पहला काम। सबसे पहला काम मेरा ड्रीम ये है कि मैं जैसी कामयाबी पे पहुंचूंगा, सबसे पहला ड्रीम जो मेरा है कि मैंने अपनी वालदा को हज पे लेके जाना है, और फिर ये है कि एक अच्छा घर लेके देना है, जो मतलब एक जरूरियात जिंदगी इंसान की होती है, पहले उससे पूरा करना है घर वालों की। अपनी डिजायर्स मेरी कम है और मेरी फैमिलीज के लिए मेरी ख्वाहिशात जो है वो ज्यादा है, कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाइयों को भी सेटल करूँ, अपने सिस्टर्स को भी सपोर्ट करूँ, अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करूँ। मतलब जो मेरे इर्द गिर्द सर्कल जो मुझे सपोर्ट करता है शुरू से, तो मैं जब किसी मकाम पे पहुंचूं तो सबसे पहले मैं उन्हें देखूँ कि जिन्होंने मेरी स्ट्रगल पीरियड में मेरा साथ दिया है। जहाँ मुझे 50 रुपये तक की ज़रूरत थी तो मेरे साथ मेरे दोस्त रहे, तो मैं आगे जब भी जाऊं तो मैं उन्हें देखूं। तो मेरा फ्यूचर प्लान जो होगा उनमें मेरी पूरा मेरा सर्कल जो है वो शामिल होगा, जिसमें मेरी फैमिलीज भी हैं और जाहिर सी बात है मेरे फ्रेंड्स भी हैं। क्या मैसेज देंगे इस प्लेटफॉर्म से देखने वालों को? देखने वालों को तो मैं ये मैसेज दूंगा कि कभी भी जिंदगी में अगर कोई किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहा हो तो ताना कशी करने से बेहतर है उसके साथ जुड़ जाएं, भले दो अल्फाज से सही। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, पैसा नहीं कर सकते, किसी चीज़ की अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो आप उसकी सोच जो है उसे अच्छा कर दें, उसके जो दिन भर का थका आ रहा है उसके तो थोड़ा फ्रेश कर दें, उसे दो अल्फाज उसे इतने ही कह दें कि यार चल टेंशन ना ले, हो जाएगा, कुछ कर लेगा अल्लाह मालिक है, अल्लाह कुछ कर देगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, टेंशन ना ले। आप क्या मैसेज देंगे जाते जाते इस प्लेटफॉर्म से? मैं ये कहने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मेरा गाना वो यानी भैया मैं चाहता हूँ मेरे को मेरी वालदा देखें, ये चाहते हैं कि इनकी वालदा। आपकी मामा को मैं ये लिंक भेजूंगी, आप टेंशन नहीं लें, वो नहीं भी देखेंगे ना, मैं उनको दिखाऊंगी, सही है। ये बाइक पे बिठा के उन्हें ले आएंगे स्टूडियो में, आप बिठा के ले आना, मुझसे भी मिलवाना, सही है बस, और क्या करें, भले मुझे बोलना मैं आ जाऊंगी अब, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आपने वक्त निकाला, और आपकी मामा के लिए मैं मैसेज दूंगी के आज ये यहाँ। जी जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जी जी, एक माँ के लिए गाना मैंने गाइस, ये अपनी मदर को डेडिकेट कर रहे हैं सॉन्ग इस प्लेटफॉर्म से। ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान इस जब एक मकाम पे होता है तो अपने पेरेंट्स को जरूर याद करें। इन आँखों से मैं जन्नत देखता आहूं, मैं अपनी माँ की सूरत देखता हूँ, जीना जीना रे उड़ा गुला माई तेरी तेरी।
थोड़ा गुरा माई तेरी छोड़िया अच्छा फैजान ने पूरे शो में बात नहीं की, सिर्फ एंड में ये कहा कि मैं अपनी मदर को सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ। उनकी माँ से मोहब्बत बहुत ज्यादा है, मतलब हर किसी को होती है, हर एक को होती है, लेकिन आपने मदर लव। मैं घर में छोटा हूँ, उससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, और मैं घर में सबसे छोटा हूँ मगर सबसे बड़ा हूँ। बस जिम्मेदारियां इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मेरी दुआएं मेरी टीम की और देखने वालों की आपके साथ हैं कि आप बहुत आगे तक जाएं। स्ट्रगल कर रहे हैं और जो बंदा स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, उसको एक ना एक दिन उसकी डेस्टिनेशन जरूर मिलती है। तो और मैंने जो आपसे कमिटमेंट की है, मैं फिर यही कहूंगी जितना फिर उधर गए हैं आपसे दोनों यार, दोनों उधर की देख, दोनों उधर नहीं, दोनों भाई इधर सी बातें। आपको मैंने आज शो पे याद किया नहीं किया? याद किया बिल्कुल, मैंने खुद कॉल किया आपको, मैं लाइव बोल रही हूँ। हाँ। मैंने खुद इनको कॉल की, मैंने कहा कि हालांकि आपने मुझे कहा कि आपने मुझे कॉल की कैसे। हाँ। मैंने कहा बड़े लोग है ना, बड़े वेरी यार वेरी, ये सिंधी वेरी बड़े लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग प्ले किया, बहुत अच्छा प्ले किया और आप भी बहुत इससे और आगे तक जाएंगे। गाइस अपना रखें बहुत सारा, आमीन सुम आमीन। गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे भी रखें दुआ में ना से बददुआ में याद। और अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। नेक्स्ट शो जो होने वाला है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। कौन है आर्टिस्ट ये मैं बस सस्पेंस देख के जा रही हूँ, अब सोचते रहें कि कौन आने वाला है। अल्लाह हाफिज़।